तो गाइज ये देखिए, ये है कार्डियो, साइकिलिंग करते हैं इसको 10 मिनट करते हैं ताकि बॉडी वार्म अप भी हो जाती है और कार्डियो एक्सरसाइज भी हो जाती है। इसके बाद मैं करती हूँ एक क्रॉस वॉक, ये भी मैं 10 मिनट करती हूँ। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हैं, और कार्डियो भी आ जाती है इसी में एक्सरसाइज, फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाती है। और जब हम कार्डियो करते हैं तो ये कार्डियो और वार्म अप दोनों ही है। अगर आपको वार्म अप करना है तो थोड़ा 5-10 मिनट कर लो, अगर आपको ज़्यादा करना है तो कार्डियो एक्सरसाइज करनी है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैं ट्रेडमिल पर 10 मिनट के लिए दौड़ लगानी शुरू कर दी है, तो ये तीसरी एक्सरसाइज हो गई है मेरी। तो गाइज ये है नेक्स्ट लेग डे, मैंने डे बनाए हुए हैं सभी ऐसे डे के हिसाब से करते हैं। तो लेग डे और इसमें आ जाएगा एब्स डे। ये देखिए स्क्वाट्स कर रही हूँ मैं, ये 15 15 10 10 के 3 रैप करने होते हैं। तो आपसे शुरू में कम होए तो कम कर लो, या बाद में या पहले जितने भी होते हैं उतने कर लो। मैं 10 12 लगाती हूँ एक बार में, कुर्सी की तरह बैठना होता है इसमें। ये लेग की एक्सरसाइज है गाइस, थाई पर ज़्यादा जोर पड़ता है इस एक्सरसाइज से। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज है लेग की, और सेकंड ये देखिए, एक पैर आगे करके पीछे वाला पैर मोड़ना, पीछे को और आगे वाला आगे मोड़ना है। इसके भी 10 10 के 3 रैप करने पड़ते हैं, 3 या 4 कर लो, जितने आपसे होते हैं आप उतने कर सकते हो कैपेसिटी के हिसाब से। पहले हम लेफ्ट पैर से करेंगे 3 रैप, फिर हम सेकंड से करेंगे यही वाली एक्सरसाइज। तो अब आ गई है ये थाई की है, थाई की, और ये नीचे के पैरों की बैक साइड की, इसके भी 3 3 रैप करने होते हैं। तो गाइज हर एक्सरसाइज के 10 10 12 12 12 करके 3 बार करनी होती है, इसको रैप बोल देते हैं। और ये लेग डे में गाइज आ जाता है अब एब्स, लेग और एब्स इकट्ठे होते हैं एक ही दिन। पहले हम कार्डियो करते हैं, उसके बाद करते हैं ये लेग डे में ही एब्स, एब्स की एक्सरसाइज है ये। इससे पेट कम होता है और एब्स बनते हैं। और गाइज जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं कैलोरी का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप ज़्यादा कैलोरी लेकर एक्सरसाइज करोगे तो वज़न बढ़ जाएगा, अगर कम कैलोरी लेकर एक्सरसाइज करोगे तो वज़न घट जाएगा। बस यही फंडा है एक्सरसाइज का। तो ये हमारी लेग डे ख़त्म हो गया था गाइज, और ये देखिए जिम में काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो ये लेग डे ख़त्म हो गया था, नेक्स्ट हम करने वाले हैं ये देखिए, ये बैक की है गाइज। इसमें मैंने 3 4 वेट लगाया था, 3 नंबर वेट पर मैं कर रही हूँ। और ये देखिए अंदर की साइड बैठना होता है, और ये भी बैक की है गाइस। ये फुल बैक की एक्सरसाइज है, इसके भी 3 3 रैप करने होते हैं। और ये जो मैंने टूल लगाया हुआ है ये लगा कर करना है, इसमें रोड भी लग जाती है। और ये देखिए हाथों को खुला करने के बाद, और मैं इसको खींच रही हूँ, और गाइज ये ही पोस्चर बना के बैठना जैसे मैं बैठ गई हूँ। और हमें जब इसको नीचे की तरफ खींचेंगे तो बैक पर जोर पड़ना चाहिए, ना कि शोल्डर और चेस्ट पर, ये ध्यान रखना है। जिसकी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वहीं पर जोर पड़ना चाहिए। देखिए अब अंदर की साइड से खींच रही हूँ, और हाथों की पोजीशन भी मैंने चेंज कर ली है, हथेलियाँ अब अंदर की साइड हो गई हैं, हथेलियाँ पहले बाहर की साइड थी अब अंदर की साइड हो गई हैं। इसके भी मैं 3 3 रैप करूँगी। ये बैक की एक्सरसाइज है गाइस, बैक का फैट ये ख़त्म हो जाएगा और मसल टोन्स बनते हैं इससे। ये अपर बैक की है गाइस, इसके भी 3 3 रैप करूँगी। ये देखिए नीचे मैंने वेट लगाए हुए हैं 10 10 kg के, अगर आप चाहें तो वेट लगा सकते हैं, आपसे होता है तो, अगर नहीं होता तो वेट हटा कर भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं गाइस, ये लोअर बैक की है गाइस, ये जिस पर मैं कर रही हूँ ये छोटा बड़ा भी हो जाता है, जेंट्स जब करते हैं तो इसको थोड़ा ऊंचा कर लेते हैं, और ये मैंने नीचा कर लिया था। तो पूरा नीचे तक जाना होता है, हाथ में आप वेट लेकर भी कर सकते हैं, इसके भी 3 3 रैप करने होते हैं गाइस। और ये देखिए मशीन ने, ये शोल्डर की है,
ये चेस्ट की है, ये अपर बैक की है। तो ये मशीनें मैंने दिखा दिया आपको, और मशीनें मैं दिखा दूंगी गाइस। ये चेस्ट की एक्सरसाइज है गाइस, तीसरा दिन है ये। फर्स्ट हमने किया था लेग डे, सेकंड हमने किया था बैक और एब्स डे, और अब है ये चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप डे। तो ये देखिए, इसके भी तीन तीन रैप करने हैं। इसके बाद मैं आ गई हूँ इधर, ये भी अपर बैक की एक्सरसाइज है। अब ये आ गई है, ये भी बैक की है गाइस। जब हम इसका पोस्चर बनाते हैं तो ये देखिए, कमर के बीच में हमारे जगह हो जाएगी थोड़ी सी, पीछे को सरकते हुए बीच में जगह बनाई हुई है मैंने, तब ये एक्सरसाइज करनी पड़ती है। इसके भी तीन तीन रैप मैं कर रही हूँ, और एक ये एक्सरसाइज गाइस, इसको भी जब हम पोस्चर बनाएंगे एक्सरसाइज करने के लिए, तो इसमें बैक में थोड़ी सी जगह बन जाएगी नीचे की तरफ सरकते हुए, चेस्ट को बाहर निकालते हुए हम लेट जाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे। तीन तीन रैप करेंगे इसके भी। और गाइस अब देख लीजिए, ये भी शोल्डर की है गाइस, इसके भी तीन तीन रैप करने होते हैं। हर एक्सरसाइज के तीन तीन चार चार जेंट्स होते हैं, वो तो काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा भी करते हैं गाइज। आप 10 भी कर सकते हैं अगर आपसे होते हो तो। मैं तीन तीन करके आती हूँ क्योंकि मेरा ऑपरेशन भी हुआ है अभी, मुझे इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करनी है। वैसे मैं स्टेडियम जाती थी, बास्केटबॉल खेलती थी, तो मुझे आदत है एक्सरसाइज करने की, कर लेती हूँ मैं एक्सरसाइज। ये शोल्डर की होगी गाइज। अब ये देखिए, काफ़ी सारी होती हैं शोल्डर की, ये भी शोल्डर की है। शोल्डर के चारों तरफ से फैट निकल जाता गाइज, और मसल्स टोन भी बन जाते हैं शोल्डर के, स्किन टाइट हो जाती है ये वाली जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो। कार्डियो से वजन कम होता है, और ये सब एक्सरसाइज हम करते हैं तो इससे मसल्स बनते हैं हर पार्ट के, बॉडी के हर पार्ट के, स्किन टाइट हो जाती है गाइज। ये देखिए, इसके भी तीन तीन रैप करने होते हैं। जितना वजन आपसे उठे उठा लो, मैं तो ये 5-5 किलो के मैंने उठाए हुए हैं। और ये देखिए गाइज, अब आगे को हाथ करके करने हैं। ये चेस्ट और शोल्डर डे है हमारा, और इसी में ट्राइसेप के भी करेंगे लास्ट में, मैं ट्राइसेप के करूँगी। ये शोल्डर के हैं, ये देखिए गाइज, ये ट्राइसेप के हैं। बिल्कुल हाथ ऊपर कर लेंगे सबसे पहले, कैमरा गलत लग गया था गाइज, फेस ही नहीं दिख रहा, दोबारा से मैं इसको एक बार ठीक कर लेती हूँ। तो गाइज, बैठने के बाद हाथ एकदम ऊपर करेंगे कान के पास से, और सिर्फ कोनियों तक हाथ हिलाते हैं। देखिए, पीछे ले जाएंगे वजन को, इसमें थोड़ा सा हैवी वेट उठाया है ताकि मसल्स बन जाए अच्छी तरह से। तो गाइज, जिम जाकर एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, घर पर इतनी एक्सरसाइज नहीं होती है, कितना भी कर लो नहीं होती है। जिम जाकर एक रूल सा बन जाता है, और अच्छी डाइट ले पाते हम। कभी भूखा रहकर अपना वज़न कम ना करें, ज़रूर जिम जाएं और हेल्दी डाइट खाएं, वज़न नहीं बढ़ेगा। तो गाइज, इसके भी तीन तीन रैप करने होते हैं। तो आज मैंने फुल एक्सरसाइज आपको बता दिया, फुल वर्कआउट।